आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बाहर जाके मेहमानों को अटेंड करें। मेरे ख्याल में तो बेटा घर पे डॉक्टर बुला लेते हैं। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चोट नहीं लगी मुझे। तो फिर मैं गर्म पट्टी बांध देती हूँ, आराम आ जाएगा तुम्हें। आंटी वो सब मैं खुद कर लूंगी। शानी आंटी को बाहर ले जाओ, मेहमान क्या सोच रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ आपको। नहीं आई एम फीलिंग वेल, बल्कि मैं घर चली जाती हूँ, रेस्ट करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। ड्राइवर है ना साथ? नहीं ड्राइवर तो नहीं है। अरे तो फिर कैसे जाओगी बेटा, शानी छोड़ाएगा तुम्हें। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा मैं ऐसे हरगिज नहीं जाने दूंगी, शानी तुम छोड़कर आना। ठीक है अम्मी मैं छोड़ आऊंगा, खाबर भाई की फैमिली चली जाए उसके बाद मैं छोड़ाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, जब तक तुम आराम करो। हाँ प्यार के काबिल कर दिया। कहाँ हो? सारे में ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? कैसी है वो? कौन? अच्छा शान से, कुछ नहीं उसके पाँव में मोच आ गई थी, जरा ठीक है। बच तो जाएगी ना वो? क्या मतलब? तुम लोग सारे तो ऐसे फिक्र करते जैसे पता नहीं क्या हो गया उसे। यार मेहमान है, हमारी फिक्र करना तो बनता है ना। इतनी भी नहीं कि अपनों को गैर अहम कर दो। मान लो जालिस हो रही हो। शानी जालिस नहीं हो रही, तुम पे हैरत हो रही है। तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। क्या मतलब ऐसे नहीं थे? कैसा नहीं था? अभी भी मैं बताऊं, बड़ा कदम से कदम मिला के नाच रहे थे ना उसके साथ। सारी बात है, अब तुम कदम से कदम नहीं मिलाओगी तो किसी और को तो मौका मिल ही जाएगा ना। ठीक है उसी के साथ कदम मिलाओ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया यार? आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके। आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मेरी वजह से इवेंट छोड़ के घर जाना पड़ा और अब मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी शादी और घर के साथ ही तो है, और यूं भी मैं इतना बेमुरब्बत नहीं हूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे आज। Really? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे खुद नहीं जानते। किसी ने बताया ही नहीं। सजीला ने तो बताया होगा या उसने भी नहीं बताया? ऐसे ही लापरवाही, ध्यान कहाँ देती है इन बातों का। मेरा मतलब है उसको मैं हर हाल में अच्छा लगता हूँ। मैंने तुम्हें इस ड्रेस में पहली बार देखा इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। वैसे आप भी बहुत अच्छी लग रही थी आज। फौरन बदला उतार देते हो, वेरी क्लेवर। नहीं सही कह रहा, बल्कि मैं क्या हर कोई कह रहा था वहां, शायद इसीलिए आपको नजर लग गई। मुझे नहीं लगता कि नजर लगी है, मुझे तो लगता है जैसे किसी की मेहरबान नजर ने चंद लम्हे मजीद साथ दे दिया तुम्हारा। सजीला मुझे तो खावर के घर वाले बहुत ही चालाक लगे। सिर्फ खावर के घर वाले? और वो शान से?
वो नहीं चालाक लगी आप? क्या जरूरत थी फैमिली फंक्शन में आने की? रावज अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लग रहा है नंबर बना चुकी है। उन सबको तो जैसे शांजे के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ बस तुम लोग तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? जाना नहीं। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हम खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। यार अब शानी का फोन है, मेरी बात करो। तू ना अम्मी से बात कर। हेलो। हाँ मामी, कहाँ निकल गए आप लोग? मैं आ रहा था छोड़ने के लिए आपको। नहीं बेटा, हमें कैब मिल गई थी, हम घर आ गए। तुम्हें वहाँ पे और भी बहुत काम है। कोई काम ऐसा जरूरी नहीं था। आप नाराज है ना मुझसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नाराजगी किस बात की? खुदा हाफिज़। क्या मुझे लगा था आप दोस्त सुनाएंगी उससे। किस बात पे? अम्मी वो शांजे को बाद में भी तो छोड़ने जा सकता था ना। छोड़, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया। ये छोटी बात है अम्मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था कैसे सारे के सारे शांजे के आगे बिछे जा रहे थे। सब दिख रहा था लेकिन कहा ना, नजरअंदाज कर दो। और हाँ, शानी से इस बारे में कोई बहस मत कर, समझ गई? चल।